हेलो क्षितिज। हाँ बेटा, सौमिल आया आपके घर में? अच्छा ओके, थैंक यू बेटा। क्षितिज के घर पे भी नहीं है, राजीव के घर पे भी नहीं है, कहाँ क्या होगा? मुझे एक पोयम पढ़नी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हेलो हर्षद भाई, प्रवीणा। प्रवीणा भाभी, वो सौमिल यहाँ आया है। सौमिल वहां है, रिलैक्स। देखिए प्रवीणा भाभी, मैंने उसे वहां नहीं भेजा है, बाकी कसम मैंने वहां नहीं भेजा है उसे। वो बहुत जिद कर रहा था वहां आने की। मैंने उसे समझाया था कि बेटा अब हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन उसने भी बाकी तरह मेरी बात नहीं सुनी। बापे गया है ना, सॉरी। आप सबको बहुत तकलीफ हुई होगी, मैं आता हूं अभी उसे वहां लेने। नहीं, हर्षद भाई, बा कह रही है कि मोटा भाई आएंगे उसे वहां छोड़ने। मोटा भाई को क्यों खामखा तकलीफ देनी? बा से कहना मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप उसे गेट तक ले आना, मैं वहीं से उसे लेकर चला जाऊंगा। अरे नहीं, बा कह रही है कि सौमिल को यहाँ थोड़ी देर रहने दो, वो मोटा भाई आके छोड़ जाएंगे उसे वहां। मोटा भाई ने भले ही कहा कि हमारे बीच सारे रिश्ते टूट गए, लेकिन एक तार अब भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू सौमिल। यू आर वेलकम। मुझे ये फर्स्ट प्राइज मिला है पोयम के लिए। अरे वाह, बार फेयर किए, पढ़ू? पोयम का नाम है मेरी दादी। सबसे बड़ा समा जाए उसमें दुनिया आदि, मंदिर आंगन कुआं और झूला झूले पर बैठी मेरी दादी। कपड़े उसके सीधे सादे, मन की भी वो उतनी सादी, बिना लकड़ी चश्मे के भी मुझको प्यारी लगती मेरी दादी। जन्मदिन पर गले लगाती, ढेर सारा प्यार बरसाती, रूठी हो तो भी चोरी चोरी मेरे लिए पूरन पोली बनाती। पापा से ज्यादा मैं प्यारा हूँ,
वो कुछ ऐसे जताती, गणपति की पहली आरती पापा से नहीं मुझसे करवाती। आधा सच आधे सपने जैसे भी है मेरे अपने, मम्मी कहती मेरी दादी सबसे प्यारी, तो फिर वो मेरे घर क्यों नहीं आती। खिड़की से रास्ता देखते देखते रोज मेरी आँख लग जाती, नहीं जिद करूँगा किसी चीज की, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार तो आओ दादी, मैं रोज दरवाजा खुला रखता हूँ। प्यार में भी उनसे करता हूँ, रखता हूँ हर पल पास, कभी तो वो बात करेंगी मुझसे, है बस इतनी सी आस। बदा से कहिए कि मुझे घर छोड़ दे। लीला ले जाए इसे यहां से, इस पहले कि मैं इसे गले लगाने की गलती कर दूं, ले जाए इसे यहां से। एक मिनट, ये लो सामान। थैंक यू। चलो बेटा। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सौमिल, बिना बताए क्यों गए थे? मम्मी डैडी को बताने की कोई जरूरत नहीं लगी? मैं बताता तो आप जाने नहीं देती ना। तो जाने की जरूरत क्या थी? पापा ने मना किया था ना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What do you think of yourself? मनमानी करोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे? चलो, हो गया ना। No, let me handle this. This is wrong. अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कोई उठा कर लेके जाता तो कहाँ ढूंढते फिरते हम? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम हो कहाँ। मैं दादी माँ के घर नहीं जा सकता क्या? देखो सौमी, हम सब परेशान थे ना, इसलिए मामा गुस्सा कर रही है, दोबारा ऐसा मत करना। चल कपड़े बदल ले।